तो ना विल सी यूनाइट नेशन कन्वेंशन ऑन द र चाइल्ड यूनाइट नेशन क्या चाहता है कि पूरी दुनिया के ममालिक बच्चों के लिए कैसे कवानीन बनाएं सबसे पहला तो वो चाहते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए चिल्ड्रन हैव द टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रीमिनेशन ऑफ एनी काइंड जिस तरह caste, creed, class के कास्ट क्रीड क्लास के डिफ्रेंस हैं रूरल अर्बन डिफरेंस हैं वो सब खत्म किए जाने चाहिए तो ये कन्वेंशन या जो कानून है वो ये हमें बताता है कि जितने भी ममालिक हैं वो सब नॉन डिस्क्रिमिनेंट रूल्स बनाए अपने लिए दैन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन इन ऑल एक्शन एंड डिसम तो जो भी फैसला किया जाएगा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी जो एक्शन लिया जाएगा वो बच्चों के बेहतरीन मफाद में लिया जाना चाहिए और वो बिज़नेस के इारों को टेक्नोलॉजी को माफियाज़ को या किसी और को इंटरेस्ट देने के लिए नहीं बनाए जाएंगे कवानी बल्कि खालिस्त बच्चों के तहफ़ के लिए बनाए जाएंगे देन दे थिंक दैट राइट टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट Children have the right to life, survival and development, including access to healthcare, education and a safe environment. पूरी दुनिया के बच्चों का ये हक है कि उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो और उनको हेल्थ केयर की एक्सेस हो तालीम की एक्सेस हो और सेफ एनवायरनमेंट मिले जहां उनको कोई वायोलेट ना कर सके कोई अब्यूज़ ना कर सके तो इस तरह के कवानीन हों जिसमें हर तरह का तहफ़ बच्चे को दिया जाना चाहिए अब ये कवानी ही नहीं जाहिर है उसके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी फिर उन पॉलिसीज पे इंप्लीमेंटेशन होगी उन इम्प्लीमेंटेश को मॉनिटर किया जाएगा और उसके लिए जितने भी रिसोर्स हैं गवर्नमेंट्स को वो रिसोर्स प्रोवाइड करना होंगे देन पार्टिसिपेशन दे से दैट चिल्ड्रन हैव हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड देम देट चिल्ड्रेन अकाउंट इन मैटर्स दैट अफेक्ट दैम अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड मेचोरिटी तो बच्चों को भी पार्टिसिपेट इसमें किया जाना चाहिए वो अपनी एज और मेचोरिटी के मुताबिक जो कुछ बताते हैं जो कह सकते हैं उनको क्या अच्छा है क्या उनको पसंद है उनकी लाइकिंग्स डिस लाइकिंग्स क्या हैं क्या होना चाहिए उनके लिए उस पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत है और उनको समझा जाना चाहिए उनको महसूस किया जाना चाहिए कि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो क्या है और उसके क्या अपनी तरफ से वो क्या समझते हैं कि उस शख्सियत को कैसे वो पनप सकते हैं देन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म अब वो कहते हैं कुछ भी है आपने बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्राम ऑल फॉर्म्स ऑफ एब्यूज एक्सप्लॉइटेशन नेगलेक्ट एंड वायलेंस तो हमने उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं होने देना नेगलेक्ट भी नहीं होने देना और वायलेंस से भी बचाना है और ये कैसे बचा सकते हैं जब उनके सपोर्टर्स और उनके स्टेक होल्डर्स उनके साथ हों इंक्लूडिंग देयर फैमिली देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन देयर पॉलिसी मेकर्स देयर कम्युनिटी मेम्बर्स और जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं वो सब बच्चों के साथ हों तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं देन फैमिली एंड कल्चरल आइडेंटिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़बूत जो सपोर्ट है वो पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से होती है इसलिए पूरी दुनिया के कवानीन ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि सबसे पहले जो स्टेक होल्डर हैं वो वालदेन और उनका ख़ानदान है सो वहाँ तक अवेयर अवेयरनेस वहाँ तक उनको एक्वमेंट भी दी जाए उन ऐसे बजट भी रिलीज़ हो जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो वालदान की ट्रेनिंग हो और उनको अवेयर किया जाए कि दोनों माँ और बाप मिल के बच्चों की परवरिश करें और अगर एक्सटेंडेड फैमिली फैमिली है तो वो भी मिल के बच्चों की परवरिश करें और उनको इस सिलसिले में जिस तरह से भी सपोर्ट किया जाना चाहिए ख्वा वो थ्योरेटिकल हो या ख्वा वोनेटरी हो यानी पैसे दे के उनकी मदद की जाए या उनको कुछ सिखा के उनकी मदद की जाए हर तरह से उनको सपोर्ट किया जाए ताकि जो पहला इदारा है जहाँ बच्चे की बुनियादी परवरिश होती है वो मजबूत होगा तो आइंदा आने वाले इदारों में को भी सहूलत हो जाएगी बच्चों के प्रोटेक्शन में काम करने की